गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमिस फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और आज का वीडियो आई होप कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो आप लोग वीडियो का मज़ा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़रूर सपोर्ट कीजिए। ओके देखिए, आज चिल्ड्रन डे का गिफ्ट जिदान के पापा दे रहे हैं सब स्टूडेंट्स को। एक्चुअली चिल्ड्रन डे पार्टी हम लोग थोड़ा सा लेट से करते हैं, तो चिल्ड्रन डे के टाइम हम लोग थोड़ा सा गिफ्ट दे देते हैं बच्चों को खुश करने के लिए। इवनिंग टाइम में अभी हम लोग रेडी होने के बाद बाहर निकले। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं मेरी बड़ी नंद के घर और वहाँ पर जाके काफ़ी मस्ती करने वाले हैं। मतलब वहाँ पर क्या मस्ती करते हैं, गॉसिपिंग में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, एक्चुअली वीडियो करना भूल जाते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लिप्स ले लेते हैं ताकि आप लोग के साथ शेयर कर पाए। आज हम लोग इवनिंग में 4 बजे निकले और इस टाइम ईजान थोड़ा सा नींद के मूड में रहता है। देखिए, उसका फेस देखने से ही पता चल रहा है। और यहाँ पर जिदान आज सामने बैठा बिकॉज उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है। के घर के पास हम लोग आ गए और यहाँ आने के बाद हम लोग कौन सा फ्रूट्स लेंगे वही सोच रहे थे और सिर्फ एप्पल ही समझ में आता है हम लोग को। फिर बीच में जिदान बोला उसको ग्रेप्स खाना है, फिर हम लोग ग्रेप्स परचेज किए। अब स्टोर से भी हम लोग कुछ सामान परचेज कर लिए, तो ऐसा करके हम लोग 2-3 जगह रुके, उसके बाद फाइनली आ गए मेरी नंद के घर। लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ आने के साथ साथ ही ईजान क्या किया देखिए। ईजान और जिदान को मालूम है कौन सा कबर्ड में ये बॉक्स रखा हुआ रहता है, कॉइन वाला बॉक्स है जो ईजान और जिदान जब भी आता है उन लोग खेलने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है और बहुत इंटरेस्ट के साथ खेलता भी है। उसके बाद देखिए हम लोग का नाश्ता लग गया है और नाश्ता का बहुत ज़्यादा वैरायटी रहता है बिकॉज मेरी बड़ी नंद जब भी नाश्ता लगाएगी इस तरह से बहुत सारा चीज़ एक साथ लगाती है। फिर हम सब मिल करके नाश्ता करने बैठे बट ईजान बिल्कुल भी अभी नाश्ता करने के मूड में नहीं है, वो ग्रेप्स खा रहा था। मतलब उसको जो चीज़ में इंटरेस्ट रहता है पहले वो खा लेता है एंड देन फिर वो रेडी होता है नाश्ता करने के लिए। जिदान अभी पहले से माशाल्लाह थोड़ा सा ठीक हुआ, मतलब बात वो मानता है। अब देखिए फिर से उन लोग कॉइन के साथ बिजी हो गया है और उसको एक गिफ्ट मिला रूमी की तरफ से। दोनों थैंक यू बोलने के बाद खेलना स्टार्ट कर दिया। गिफ्ट दिलो रूमी दीदी दिए छे बर्थडे गिफ्ट। এত সুন্দর দুটো গান, এটা খুলবো, ফোনে 10 এ মারবো, 9 এ মারবো, 8 এ মারবো, 7 এ মারবো, সব জায়গা মারবো। ওয়া, তোমাদের দুজনের দুটো গান, দু ভাই মিলে খেলবে, ঠিক আছে? আমাদের তো অনেক গান ছিল, আমি এটা না, তুমি চুজ করবে না, ইউ ক্যান চুজ। काफ़ी देर तक हम लोग बातचीत कर रहे थे एंड उसके बाद काफ़ी रात हो रहा था, तो हम लोग सोचे अब हम लोग डिनर कर लेते हैं। और देखिए डिनर रेडी है और हम लोग के डिमांड पे डिनर में आज बहुत टेस्टी खाना बना, जैसे राइस, राइस के साथ आलू भरता एंड टमाटर का चटनी, चिकन, चिकन कबाब एंड मीट कबाब, दाल एंड मेरे लिए बनाई एकदम सिंपल सा चिकन, मतलब जिसमें ज़्यादा तीखा नहीं है और रेड चिली पाउडर ऐड नहीं है बिकॉज तबीयत ख़राब होने की वजह से स्पाइसी खाना अवॉइड करना पड़ रहा है। तो हम लोग काफ़ी इंजॉय किए डिनर और काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज नॉर्मली बिरयानी ये हम लोग का कॉमन फूड आइटम है, ये सब अगर छोड़ कर भी हटा कर भी हम लोग दूसरी चीज़ अगर चूज़ करते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग एकदम स्लोली डिनर कर रहे थे, आराम से हम लोग डिनर कर रहे थे बातचीत करते हुए। और फिर हम लोग डिनर करने के बाद फिर से थोड़ा देर तक हम लोग बात किए एंड देन अभी देखिए फाइनली हम लोग घर जाने के लिए निकल गए। काफ़ी रात हो रहा था बट दिवाली का छुट्टी था तो हम लोग को बिल्कुल भी टेंशन फील नहीं हो रहा था बिकॉज
जिदान का स्कूल ओपन रहने से ज़्यादा टेंशन होता है, बिकॉज जिदान को प्रॉपर नींद भी चाहिए होता है स्कूल जाने से पहले, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते कहीं हम लोग नहीं जाए जिदान का जब स्कूल ओपन रहता है। हाँ, कभी अगर ज़रूरी रहा तब हम लोग को निकलना ही पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करें दिवाली में। आप लोग कैसे क्या इंजॉय किए दिवाली के टाइम, कमेंट्स के थ्रू आप लोग शेयर कर सकते हैं। और ये रहा आज का छोटा सा वीडियो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे और एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए। और अभी दिवाली के टाइम बाहर का जो नज़ारा देखते हुए, मतलब काफ़ी इंजॉय करते हुए हम लोग अभी घर जाएंगे, बिल्कुल भी बोर फील नहीं होगा वो। इसलिए दिवाली के टाइम रास्ता थोड़ा सा क्राउडेड रहता है, उतना ज़्यादा खाली खाली नहीं रहता है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है ऐसे। तो इस तरह से अभी हम लोग जा रहे हैं घर।